हेलो गाइस, दिस इज़ मी चेकिंग माय व्लॉगिंग सेटअप। मैंने एक रोड का माइक अटैच कर दिया है अपने फ़ोन के साथ एंड आई एम यूजिंग अ ओलांजी MT11 ट्राईपॉड। लोग ऐसा बोलते हैं कि दिस इज़ अ परफेक्ट व्लॉगिंग सेटअप यू कैन हैव एंड आई एम यूजिंग माय फ़ोन टू व्लॉग। ये सैमसंग S10 है। सो दिस इज़ अ टेप विथ माइक। अब दूसरा टेक लेते हैं विदाउट माइक। सेटअप तो काफ़ी अच्छा है बट या इट इज़ हैवी, मेरे को थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 kgs, 2.5-3 kgs आई गेस। बट या सुनते हैं, सी यू। या सो गाइज, मुझे तो विथ माइक अच्छा लग रहा है सेटअप। सुनने में काफ़ी क्रिस्प आवाज़ है इस माइक की एंड डिस्ट्रैक्शंस कम है। दूसरी चीज़, थोड़ा फ्लिमजी है ये माइक, आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट। मतलब इट इज़ रियली मूविंग अ लॉट। सो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अगर ये देख पा रहे हैं, दिस इज़ कैट टेल, आई थिंक यही कहा जाता है इसको शायद। सो दिस रिड्यूसेस द विंड नॉइस। बट या गुड माइक, ये सेटअप काफ़ी अच्छा लगा। अब मेरे ब्लॉग्स आते जाएंगे। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स या फिर उनकी कंटेंट की क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस विल मोटिवेट मी टू पुट ऑन मोर वीडियोस। और आप प्लीज़, आप जो देखना चाहें या आप कुछ सजेस्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आई एम न्यू ऑन दिस एक्चुअली, आई एम अ न्यू ब्लॉगर एक्चुअली इन टाउन। Thank you.
हेलो गाइस, अपनी लाइब्रेरी के नीचे आ गया हूँ और मैं ब्रेक्स ले लेके पढ़ता हूँ. एक्चुअली आई यूज पोमोडोरो टेक्निक टू नॉट गेट बोर्ड व्हेन आई एम स्टडिंग. अगर आप चाहते हैं कि मैं वो टेक्निक एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. एक्चुअली इट इज़ वेरी सिंपल. You study for 25 minutes, then you take 5 minutes break. Or what you can do, you can study for 50 minutes and take 10 minutes break. तो एक बहुत अच्छा रेशियो मेंटेन होता है कि आप पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होते एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है. राइट नाउ टेकिंग सम ब्रेक एंड थोड़ी देर बाद फिर से जाएंगे ऊपर एंड पढ़ना शुरू करेंगे. फिंगर क्रॉस्ड इस साल जॉब लग जाए. गवर्नमेंट जॉब्स आर रियली हेक्टिक इन इंडिया. गेटिंग इनटू अ गवर्नमेंट कंपनी इज रियली अ बिग डील हियर. अच्छी हवा चल रही है बट गर्म हवा है. नॉट सो सूदिंग यू नो. तो ऐसा कुछ रहता है मेरा दिन जिस दिन मेरे क्लासेस नहीं होते. बाय द वे आई एम अ गिटार यूक्लेले एंड मैंडोलिन इंस्ट्रक्टर. आई टीच दीज थ्री इंस्ट्रूमेंट्स. मंडे वेंसडे फ्राइडे मेरे क्लासेस होते हैं एंड ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे आई यूज टू स्टडी. आई मेक श्योर दैट आई स्पेंड माई टाइम स्टडिंग दीज थ्री डेज. वैसे रात भी पूरी रात तो नहीं बट आई वुड से 3-4 बजे तक आई गेस आई स्टडी. इन इंडिया क्या कॉम्पिटिशन है भाई, आप लोग जानते ही हैं. जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, दे कैन दोज गाइज कैन रिलेट यू नो. कमेंट करिए अगर आप मेरी बातों से सहमत होते हैं. फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स सी, लगेगी कभी ना कभी. आई यूजुअली प्रेफर हैविंग माई लंच इन द लाइब्रेरी. मैं घर से पैक करके यहीं पे ले आता हूँ एंड यहीं पे खा लेता हूँ. और रात को अगर घर गया तो डिनर हो जाता है, नहीं तो आई यूजुअली हैव डिनर रियली लेट अराउंड 10:30, 11:30 अराउंड. सो या दैट्स माय शेड्यूल. ऑल्सो अगर आप अहमदाबाद से हैं और आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली गिटार, यूक्लेले और मैंडोलिन, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट कैसे दिखते हैं अभी फ़ोटोज़ आ जाएंगी. दिस इज़ गिटार, दिस इज़ यूक और इसे ये मैंडोलिन है. आप इंक्वायर कर सकते हैं इस नंबर पे. ये नंबर है मेरा. आई ओन अ कंपनी एक्चुअली. माई कंपनी इज़ नेम इज़ दिस गिटार पॉट लेसन्स LLP. सो या अगर आप इंटरेस्टेड हैं और कभी आपका सपना था गिटार सीखने का तो आप बिल्कुल इंक्वायर कर सकते हैं. सो सी यू सून. सो या दिस इज ब्रेक नंबर 2. मैं थोड़ा सा वॉक करके आता हूँ, उसके बाद दोबारा जाएंगे अपनी सीट पे बैठ के टिका के पढ़ेंगे. क्या टिकाएंगे वो आप समझ ही गए होंगे. कमेंट करिए. या सो आफ्टर अ 5 मिनट वॉक आई एम गोइंग बैक टू माय सीट. रात में मिलते हैं. I came for a walk. This is Riverfront, by the way. काफ़ी अच्छा walking के लिए pavements हैं यहाँ पे.
अभी 3:50 हो रहा है एम, आई एम गोइंग बैक होम. इट्स ऑल डार्क आउट राइट नाउ. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में.